सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो, सब सही है जी? चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन क्वेश्चन है कहाँ जी? इसमें क्वेश्चन नंबर 6, रोमन में बाबू लिखा हुआ है 24, मल्टीप्लाई 2 कर दिए हो गया 48। उसी प्रकार से यहाँ पर रोमन में क्या लिखा हुआ है, 14 × 2 कर दीजिएगा कितना, 28। ऑप्शन बाबू एक नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़िए। लिखा हुआ है विकल्प से अनुक्रम को पूरा करें, यही ना जी? ए ई आई, प्लस 4 होता है, प्लस फोर, 15 × 4 = 19 एस, और एस और एक और चाहिए ना था, उसके बाद यहाँ पर प्लस 4 तो हो जाएगा क्यू, एस क्यू। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जो हैं, टेलीग्राम चैनल से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। श्यामा कहती है कि राजीव के पिता के पिता, तो राजीव के पिता यानी कि राजीव के कौन, दादा, ठीक है, मेरे पिता हैं, तो वह जो है ये कौन है, श्यामा के पिता हैं। राजीव का जो दादा है वो श्यामा का पिता है, श्यामा का राजीव से क्या संबंध है, तो श्यामा जो है राजीव के लिए क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, यानी कि फुआ, यानी कि पिता की बहन। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। लीप वर्ष इसमें कौन सा है, ठीक है, वह वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य हो या फिर 2 से ज्यादा 0, तो अंत में 2 शून्य हुआ ही हुआ, तो वह वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य हो उसमें बाबू भागा देते हैं 400 से। किससे भागा देंगे, 400 से, और 400 से भागा देने पर यदि वह पूर्णतः विभाजित तो हो गया तो वह आपका शताब्दी वाला जो है वह लीप वर्ष होता है, यानी कि 1600 जो है इसमें अगर आप 400 से भागा दे दिए वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है और वही आपका लीप वर्ष हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 1 नंबर। लीप ईयर को ही हिंदी में जो है अधिवर्ष कहा जाता है। एम ए डी 472, यहां पर भी होगा बाबू 472 नहीं है, नहीं है, इस दोनों में है। इसके बाद आर लिखा हुआ है, आर यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, यानी कि ये वाला सही, ये वाला गलत। जिस लेटर के सामने जो नंबर दिया गया है वही उसका कोड हो रहा है,
और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बोलिए थोड़ा। बर्फ में शीतलता, बर्फ का गुण है शीतलता और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। एम होता है 13 नंबर पर और ओ होता है 15 नंबर पर, इसमें से 2 घटा दिया गया 13, इसमें से 2 घटा दिया गया 11, ये 8 नंबर पर, ये 10 नंबर पर, 10 में 2 घटा दिए तो 8, 8 में 2 घटा दिए 6, 86, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। इसको कहते हैं बाबू जीजा जी टाइप क्वेश्चन, मतलब कि आप बायां से पढ़िए तो वही बात, दाहिना से पढ़िए तो वही बात, ठीक है। देख लीजिए डैश तो डैश, एन तो एन, डैश तो डैश, एम तो एम, एल तो एल, ऐसे, ठीक है। यानी कि सिंपल सी कहानी है, जो यहां जाएगा वही यहां जाएगा, एल एम एन, फिर एन एम एल, फिर एल एम एन, फिर एन एम और एल, ठीक है। तो आंसर होगा एम एन एन एम, एम एन एन एम। जा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन, यहां पर 2 नंबर। लिखा हुआ सभी कुत्ते पक्षी हैं, सभी कुत्ता पक्षी है, कुछ पक्षी पेड़ है और कोई घर पेड़ नहीं है, कोई घर जो है वह पेड़ नहीं है, घर पेड़ नहीं है। अब मामला यहां पर आ गया कि घर जो है वो पेड़ नहीं है, लेकिन क्या कुत्ता और पक्षी घर हो सकता है? तो एक तरफ से हो सकता है, एक तरफ से नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब है मामला, कुछ घर कुत्ते हैं, कुछ घर कुत्ते हैं इधर से सही है, इधर से क्या है गलत। कुछ पक्षी कुत्ते हैं, कुछ पक्षी कुत्ता है, बिल्कुल सही, हर तरफ से सही है ये, तो पहला गलत। दूसरा से कुछ पेड़ कुत्ते हैं और कुछ पेड़ जो है वह कुत्ता है, देख लीजिए है क्या, नहीं है, ये भी क्या गलत। तो आंसर होगा केवल 2 नंबर सही है। बनाए थे, बना था, चलिए 150 वाले पूरा बता दें। घर है कुत्ता है, सबसे पहले निष्कर्ष को पढ़ना है, घर और कुत्ता, तो घर यहां पर कुत्ता यहां पर, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से निगेटिव बनेगा, ई बाबू पॉजिटिव बना हुआ है तो गलत होगा। पक्षी और कुत्ता है, पक्षी यहां पर कुत्ता भी यहीं पर, पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसका वैल्यू यहाँ 100 है, इसका वैल्यू 50 है, इसका वैल्यू 50 है, इसका वैल्यू 50 है, यहाँ के वैल्यू से यहाँ का वैल्यू कम है तो ठीक है, यहाँ के वैल्यू से यहाँ का वैल्यू बराबर है तब भी ठीक है, यहाँ के वैल्यू से यहाँ का वैल्यू अगर अधिक है तब गलत है, तो ये तो कम है ना, तो सही हो गया। कुछ पेड़ कुत्ते हैं, कुत्ता यहाँ पर, पेड़ यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर बाबू पक्षी और पक्षी कॉमन मिला, दो कथन से मिलकर निष्कर्ष बनाने के लिए एक कॉमन टर्म की आवश्यकता होती है और कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना जरूरी है, लेकिन दोनों कॉमन टर्म देख लीजिए 50 है, मतलब रिलेशन बना ही नहीं। आंसर होगा केवल 2 नंबर सही है। सभी बकरी बाघ है, बकरी बाघ है, लगता है कहीं से पैसा उसा आने वाला है, लग तो रहा है।
हमरा दोनों में से कोई आंख फरके हमरा पैसे आता है, चाहे दाया फरके के बाया, हम तो कहते हैं डेली फरको, सामान वामान गिरा तो पैसा आएगा आएगा आएगा, नहीं उतनो नहीं आता कि बांट दे हम, ठीक है। क्या लिखा, सभी बकरी बाघ है, सभी बकरी बाघ, अब देखते हैं आज कहां तक कब तक आता है। सभी बकरी बाघ, कुछ बाघ घोरा है और कुछ बाघ क्या है, घोरा है, सभी घोरे सियार हैं, सारा का सारा घोरा जो है बाबू यह सियार है, तो कुछ सियार बाघ है, कुछ सियार जो है बाबू वह बाघ है, सही की गलत, सही है, कुछ सियार बकरी है, कुछ सियार जो है बाबू वह बकरी है, सही की गलत, गलत हो गया, कुछ घोरे बकरी हैं, घोरा जो है बाबू वह बकरी है, ये भी क्या गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, कोई दिक्कत, मिटा दें। चलिए अगला, कुछ पेन टेबल है, सभी टेबल स्याही है, कुछ स्याही सेब है, तो कुछ सेब पेन है, सेब यहां पर पेन यहां पर, सही की गलत, गलत हो गया, कुछ सेब टेबल है, सेब यहां पर टेबल यहां पर, गलत हो गया, कुछ स्याही पेन है, स्याही यहां पर पेन यहां पर, ये क्या है अटैच है, यानी कि सही हो गया, तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा वाला सही है, मिटा दें। अब कौन सा है जी, टमाटर आलू गाजर और प्याज, क्या होगा, टमाटर मतलब मिट्टी के ऊपर, इस मिट्टी के नीचे, ये जो है एस्क्वायर नहीं है, ये सब किसी ना किसी का एस्क्वायर, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक नंबर, स्टूडेंट को क्या क्या किया गया, एस टी यू डी ई एन और टी, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन और माइनस वन, आर में माइनस वन कर दीजिए तो क्यू, डी में प्लस वन कर दीजिए तो ई, माइनस वन कर दीजिए एफ, प्लस वन कर दीजिए तो बाबू क्यू, क्यू ई एफ क्यू, क्यू ई एफ क्यू, बाबू दो नंबर सही, तो किस शब्द को कूट भाषा में इतना लिखा जाएगा, अच्छा हाँ जी उल्टा है, ये तो उल्टा है, उल्टा है, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, क्यू के बाद आर, बी के बाद ए, यहां पर बाबू के बाद एल, यहां पर हो जाएगा ओ, यहां पर हो जाएगा एच, यहां पर हो जाएगा डी तो सी, यहाँ पर हो जाएगा एस, एस सी एच ओ एल ए आर, एस सी एच ओ एल ए आर, ऑप्शन चार नंबर डी ऑप्शन, मिटा दें। कल ए प्लस बी वाला बनवाए थे जी सर से, नहीं बन गया, नहीं हमरा लगा तुम लोग बनवा लिया, कौन ठिकाना है, वार्डन है, गार्डन है और वाटर, ठीक है, ए आर डी एन, ए आर डी एन मतलब कि फाइनल है कि जो यहाँ है वही यहाँ है, तो पहला वाला को छोड़ करके सब होगा 25 76 4, 25 76 4, इसी में खाली मिलिए और कहीं में नहीं मिल रहा, ऑप्शन एक नंबर, ठीक है, जिस लेटर के जो सामने नंबर है वही उसका कोड है।
केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। इस क्वेश्चन का एक अलग ही कहानी है, बहुत साल पहले की बात है। फाउंडेशन में ये बाबू क्वेश्चन था, हम पढ़ा रहे थे और बोर्ड पर लिखे ऐसे ही छोड़ के चले गए, और हम जो लिखे थे इसको हम इस प्रकार से इसको मिटा दिए थे, अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। मेरे बाद क्लास था अरुण सर का, अरुण सर देख लिए। दिक्कत ये था ना, पूरे बोर्ड पर सिर्फ यही लिखा हुआ ही था और कुछ लिखा हुआ नहीं था। सर को लगा जैसे कॉलेज सब में नहीं, इंटर वाला विद्यार्थी नहीं बोर्ड पर गुलाब का फूल दिल ये वो कुछ लिख के छोड़ देता है। सर को लगा ना कि यो कंपटीशनों वाला सब वैसे, सर दे दनादन झारैया शुरू कर दिए विद्यार्थी सबका। और जब जानते अरुण सर जब गुस्साते हैं तब क्या होता है, ठीक है, सुनते उनते तो है नहीं किसी का, दे रहे थे तो एक तो लड़का बोला कि सर हम लोग नहीं लिखे हैं, सन्नी सर लिखे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, हम उसको बहुत साल से जानते हैं, मतलब जो होता है। फिर दूसरा दिन जब हुआ हमको पता चला था, हम सर को बोले जाकर सर हम ही लिखे थे, क्वेश्चन था वही समझा रहे थे, तो बोले मिटान देना चाहिए था। हम समझे कि विद्यार्थी सब जो है वो लिखा है। आइए क्वेश्चन में क्या क्या है लिखा हुआ, यही है बाबू अभी फिलहाल के लिए, तत्काल समझने के लिए समझिए पहले कि अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। तो अच्छा आदमी जो भी है उसको कम उम्र में आप क्या करिए, मार दीजिए। तो कम उम्र का ना हम लोग एक तो लिमिट, एज लिमिट कर लेते हैं 30 साल, ठीक है, कि 30 वर्ष हुआ कम उम्र मरने का। अब क्या हुआ, अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, यानी कि 30 वर्ष के आयु तक में अच्छे आदमी क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो अब है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित तो नहीं रहता, इतना के हिसाब से। तो जब अच्छा आदमी कम उम्र में मर गया तो वृद्धावस्था तक जीवित है नहीं ना, है तो सही की गलत, ये वाला सही हो गया अभी तक के हिसाब से, ठीक है। अब है वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है। हमारे प्रश्न में अच्छा आदमी का बात किया कि बुरा आदमी का, अच्छा के विपरीत ना बुरा होता है, तो विपरीत बात ना कर दिया, तो सही की गलत, ये तो गलत है, ये है। अब हम बात कर रहे हैं इसका कि जब यहां पर अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं ये बात लिखा हुआ था तो ये सही हो रहा था। अब केवल शब्द क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, उसको पॉजिटिव में लगाइए तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव में लगाइए तो पॉजिटिव हो जाता है, वो तो अपना सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शन देता है। तो जब केवल नहीं लगा था तो सही हुआ, तो जब केवल लग गया तो क्या होगा, तो यानी कि पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, डाउट है तो बोल लीजिए अभी, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल, लाइट सूर्य से आती है, प्रकाश कहां से आता है, सूर्य से। लाइट सूर्य से आती है, पंखा लाइट है, लाइट कहां से आता है, तो लाइट आता है, प्रकाश आता है बाबू सूर्य से, ठीक है। अब लाइट सूर्य से आती है, पंख लाइट है, और पंख क्या है, वो लाइट है, तो इसका मतलब पंख कहिए कि लाइट कहिए बात एक ही हो गया, तो इसका मतलब हम यहां कह सकते हैं पंख सूर्य से आती है, कह सकते हैं कि नहीं, पंख सूर्य से आती है, तो पंख सूर्य से आते हैं, ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, सूर्य लाइट है, आती है ना कि है, इसीलिए बाबू पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, जिसको जो कुछ बोलना है बोल लीजिए। क्या, लाइट कहां से आती है,
सूर्य से पंख क्या है, पंख लाइट है। तो पंख जब लाइट है तो यहां पर बाबू लाइट की जगह पंख लिख सकते हैं। पंख लाइट है तो लाइट पंख है, वक्तव्य कथन होता है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन ऐसे आता है, दो चार को देखे हैं, एसएससी में देखे हैं, यहां कथन लिखा रहेगा, यहां निष्कर्ष लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। यहां दो को कथन रहेगा, एक को निष्कर्ष रहेगा, निष्कर्ष यहां लिखा हुआ है, कथन यहां लिखा हुआ है। अब आपको बताना यह है कि इस निष्कर्ष के हिसाब से ही दोनों कथन बनाना वैसे ही है कि दोनों कथन से सही हो रहा है कि नहीं, बस मामला यही है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि कौन सा सही है। हम लोग सब दिन यही करते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछ दिया कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है तो हो गया गलत। हाँ बोलिए बोलिए, पूरा बोलिए, आता है ना, है नहीं ना, आना और होना, ये ज्योग्राफी वाला सिस्टम मत अपनाएगा, रीजनिंग तक रहने दीजिएगा, ठीक है। इसमें वो वाला दिमाग नहीं लगाना है, खगोल शास्त्र वाला, नहीं तो तब सभी लीची मीठे होते हैं, सभी आम खट्टे होते हैं, तब तो अलग अलग बात ना हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला बोलिए कौन सा है। ये तो मजेदार है, क्या लिखा है देखिए, मैं तभी दूरदर्शन देखता हूं जब उब जाता हूं। मैं कब देखता हूं, मैं तभी दूरदर्शन देखता हूं जब क्या हो जाता हूं, उब जाता हूं। यानी कि आप उब गए तो टीवी चला दिए, ठीक है। यदि मैं अपने भाई के साथ होता हूं तो कभी नहीं उबता हूं। अब अगर वहां पर उसका भाई अवेलेबल है तो वो क्या नहीं होगा, नहीं उबेगा, और जब नहीं उबेगा तो टीवी नहीं देखेगा, ठीक है। मैं जब कभी थिएटर जाता हूं तो अपने भाई को साथ ले जाता हूं, बहुत बढ़िया। अब आइए क्या है, मैं उबा होता हूं तो दूरदर्शन देखता हूं, यदि मैं उबा होता हूं तो दूरदर्शन देखता हूं, नहीं सही। कैसे, वो भाई का साथ भी तो चाह सकता है कि अगर उसका भाई वहां रहता तो नहीं उबता। कहां भाई है, निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष ऊपर दिए कथनों के अनुसार ठीक है। हाँ, यदि मैं उबा होता हूं तो दूरदर्शन देखता हूं, मैं तभी दूरदर्शन देखता हूं जब उबा होता हूं, उल्टा बात है डायरेक्ट, मैं पलट देने से सही नहीं ना हो जाएगा। आप अगर आप टीवी खोल दिए तो इसका मतलब आप उब गए थे इसलिए टीवी खोल दिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं है यहां पर कि मैं उब गया तो टीवी देखने लगा, हो सकता है उसका भाई आ गया, भाई के साथ वो रह गया, टीवी देखने का मौका नहीं मिला, नहीं देखा टीवी वो, ठीक है। क्यों, क्या लिखा है, मैं अपने भाई के साथ होता हूं तो कभी नहीं उबता, ठीक है। दूसरा, यदि मैं उबा हुआ होता हूं तो अपने भाई का साथ चाहता हूं, जब वो उबा हुआ होता है तो टीवीओ तो देखता है, दोनों एक दूसरे को काटता है ना। अगर वो उबा हुआ होता है, भाई नहीं है तो टीवी भी तो देखने लगता है, उसके पास उबने के बाद उसके पास दो गो ऑप्शन है, टीवी देखना नहीं तो भाई के साथ होना। अगर वो कहे, अगर हमने आपको कहा खड़े हो जाइए, अब आपके साथ दो गो कंडीशन, बाहर जाइए बैठ जाइए, ठीक है। मैं कहूंगा या तो बाहर जाइए तो बैठ जाइए। अब अगर हम आपको क्या कहेंगे ये आपको पता है, अगर आप बैठने लगेगा तो हम कह देंगे नहीं बाहर जाइए, अगर आप बाहर जाने लगे तो हम कहेंगे बैठ जाइए,
तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को काटता है। यदि मैं अपने भाई के साथ नहीं होता हूं तो दूरदर्शन देखता हूं, नहीं, भाई के साथ नहीं होता हूं तो जरूरी है कि उब गया, भाई के साथ नहीं होता हूं उसके बाद उबेगा तब टीवी देखेगा, ठीक है। यदि मैं उबा हुआ नहीं होता हूं तो दूरदर्शन नहीं देखता हूं, नहीं उबे हुए हैं दूरदर्शन नहीं देखेंगे। जो चीज करेंगे भाई के साथ होंगे, चाहे थिएटर गए होंगे, जो भी चीज करेंगे, लेकिन टीवी तो नहीं खोलेंगे। डाउट अभी भी है बोलिए। आरआरसी ग्रुप डी के लिए ठीक है, न्यू फाउंडेशन बैच 15 जुलाई से है, बहुत अच्छा, गुड सर जी। क्या हुआ, भारी नहीं है ये सब बाबू, बहुत लॉजिक है, ठीक है। हर क्वेश्चन हम जानते हैं ना, हर क्वेश्चन इसको छोड़ करके हमको लगता है तीनों सब सही किए होंगे। कौन सा आंसर लगाए, चार नंबर लगाए हैं, तब ठीक है। चार नंबर लगाने वाले कितने हैं इसमें से, बढ़िया है जी, अच्छा खासा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केवल 6 सड़कें ABC PQR किसी एक सैन्य शिविर को देश के शेष भाग से जोड़ती है, किसी भी एक समय पर AP और R सड़कों में से केवल एक सड़क खुली रहती है। ये हो तो वैसे क्वेश्चन है, A है, P है और R है। किसी भी एक समय पर APR सड़क में से केवल एक ही सड़क खुली रहती है, किसी भी समय पर, आंधी तूफान नदी नाला पहाड़ भूकंप, नॉर्मल कुछ भी होगा, तीनों में से कोई एक ही खुला रहेगा। APR में से केवल एक खुली रहती है, केवल एक सड़क ही खुली रहती है। B बंद होती है तो Q भी बंद होती है, B बंद होती है तो Q भी बंद होती है। तूफान के समय A एवं B में से केवल एक खुली रहती है, बाढ़ के समय में P बंद रहती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब चलिए यहाँ पर ये बात हमको बताना है, तो सामान्य परिस्थिति में केवल 3 सड़कें खुली रहती है, किसी भी एक समय पर APR सड़क में से केवल एक सड़क खुली रहती है, किसी भी परिस्थिति में इस 3 गो में से कोई एक ही खुला रहेगा। उसके बाद और हमको बोला B बंद रहता है तो Q भी बंद रहता है, ठीक है। तूफान के समय AB में से केवल एक ही खुला रहता है, सामान्य परिस्थिति का हमको कोई चर्चा यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसका तो बिल्कुल ही बात गलत हुआ। दूसरा, तूफान के समय कम से कम एक सड़क खुली रहती है, ये देखिए, किसी भी परिस्थिति में APR सड़कों में से केवल एक सड़क किसी भी एक समय पर, चाहे समय कोई भी हो, संडे हो, मंडे हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, पहाड़ गिर गया हो, भूकंप आ गया हो, स्थिति कोई भी हो, APR सड़क में से केवल एक सड़क खुली रहेगी। कोई भी बंद रहे, कोई भी खुला रहे मतलब नहीं है, इस तीनों में से एक तो खुला रहेगा। तो क्या लिखा है, तूफान के समय कम से कम एक सड़क खुली रहती है, वो APR में से कोई एक तो होगा जो खुला रहेगा ही रहेगा। बाढ़ के समय केवल 3 सड़कें खुली रहती है, हमको इसका चर्चा नहीं है, बाढ़ के समय में P बंद रहता है, बस इतने जानते हैं, ठीक है। P बंद रहता है, B बंद रहे, एक तो इसमें से कोई एगो खुला रहेगा, यानी कि 2 गो बंद रहेगा, और भी हो सकता सब खुले हो, कोई 3 गो का कोई बात नहीं है। आपदा के समय सारी सड़कें बंद रहती है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बाबू 2 नंबर B ऑप्शन। डाउट वाले अभी भी बोलिए। बहुत दिन के बाद सर, हाँ बाबू बहुत दिन के बाद, आगे बोलिए। 7272, छात्रों के अलावा दूसरा कोई क्लब का सदस्य नहीं है, यानी कि इस क्लब का सदस्य कौन है, छात्र, छात्र के अलावा कोई दूसरा नहीं। क्लब के कुछ सदस्य विवाहित हैं,
अब मान लीजिए 100 छात्र है, अब 100 छात्र में क्लब का सदस्य है, अब उसमें से कुछ ऐसा होगा जो विवाहित है, मान लीजिए 30 को शादीशुदा है, सभी विवाहित डांस के लिए निमंत्रित हैं, अब उस 30 गो में से 300 डांस के लिए निमंत्रित है, लेकिन डांस जिसको आएगा वही ना जाएगा करने, क्या? अब बात कर लीजिए बैचलर का, वो तो हर स्थिति में डांस करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसको यहाँ पर कोई बोल ही नहीं रहा, पूछ ही नहीं रहा, बोला नहीं डांस तो उसी को करना, किसको? तो जो शादीशुदा है। अब है सभी छात्र डांस के लिए निमंत्रित हैं, क्लब के सभी विवाहित छात्र डांस के लिए निमंत्रित हैं, क्लब के सभी सदस्य विवाहित हैं, वो उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? 2 नंबर B ऑप्शन। मिटा दें। इसके बाद बोलिए, सात छात्र जेके एल एम एन ओ पी क्यू बाएं से दाएं एक पंक्ति में रैंडम क्रम में खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दायां इधर है और बाबू बायां इधर है, जे पी के बाएं बगल, जे पी के बाएं बगल और ओ के दाई बगल में खड़ा है, हो गया। एम बीच में नहीं है, बहुत अच्छा। के एन के दाएं तरफ, एन के दाएं तरफ और एल के बाएं तरफ, के एन के दाएं और एल के बाएं तरफ में खड़ा है, ये भी ठीक है। एम बीच में नहीं है तो कहीं और होगा, हो गया जी। और है कुछ? अब कहां? हाँ, पी ओ के एन किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, पी ओ के एन, पी ओ के एन, तो पी जे ओ एल के एन, अच्छा रुकिए, जे पी के बाएं, जे पी के बाएं, ओ के दाएं बगल में, ठीक है, एम बीच में नहीं है, के एन के दाएं, के एन के दाएं और एल के बाएं तरफ में करा, ये भी ठीक है। ओ जे पी एन के एल, यहां पर एम फोर मैंगो, ठीक है। अब क्या है, कौन पंक्ति के मध्य में है? पी फोर पायरोट, ऑप्शन 3 नंबर, पंक्ति के बाएं ओर से 5वें स्थान पर, बाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां एन हो गया। ओ के ठीक बाएं ओर कौन है? ओ के ठीक बाएं ओर एम है, ऑप्शन 3 नंबर, सी ऑप्शन। कृष्ण मुरारी बोल रहे हैं, एक बार नाम ले लीजिए। बाबू नाम ले लिया आपका, क्या घर गया है? मिटा दें। इसके बाद कौन है जी? विज्ञान है, गणित है, जैविकी है, एक नंबर ऑप्शन, कोई दिक्कत? इसके बाद खत्म। चलिए,
मैथ होगा सर है नहीं जी, साइंस होता तो सर पहले ना आते हैं। बोलो क्वेश्चन, बोलो तो क्वेश्चन नंबर बोलते जाओ। हाँ बोलो बोलो फटाफट। 17 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध, कौन होगा बताओ तो। आए हाँ ये होगा, और ये इसमें क्या है, इसमें इतना मोटा क्यों चलता है। हाँ इसमें क्या है, इसमें बोलो। ये 33-34 मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ है, 12 से 35 31 में संपत्ति का अधिकार चला गया, 32 में संवैधानिक उपचार, 33 लिखोगे कि हम सीधे बता दें लिखोगे क्या। अरे यहाँ पर कैसे होगा रे बाबू, यहाँ पर है भारत का वह नागरिक जिसका काम राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना है उसका मौलिक अधिकार निलंबित रहता है, मतलब सैनिक अर्ध सैनिक उसके बाद सीमा सुरक्षा बल इस सब का मौलिक अधिकार अपने लोकेतर नहीं है, इसका मौलिक अधिकार निलंबित रहता है। 34 क्या है, 34 में है कि अगर किसी क्षेत्र में सैनिक शासन जिसको कर्फ्यू बोलते हैं कर्फ्यू लागू रहेगा तो वहां पर नागरिकों का मौलिक अधिकार, अभी यहाँ कर्फ्यू लग जाएगा तो हम लोग जा सकते हैं, कर्फ्यू लग जाएगा तो जहां कर्फ्यू लगेगा वहां नागरिकों का मौलिक अधिकार क्या रहेगा निलंबित। तो 33-34 हुआ। 37 क्या है, 37 कि डीपीएसपी को न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। 38 क्या है, लोक कल्याण, 38 क्या है लोक कल्याण। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक। 28 तो समझते हो, 23 में है कि कोई गलत व्यापार ये सब नहीं कर सकते। 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को काम करने पर रोक लगाया गया है, वेश्यावृत्ति को रोक कौन अनुच्छेद में है, 23। वेश्यावृत्ति का रोक कौन अनुच्छेद में है, 23। 27 में क्या है, 27 में है 25, 26, 27 माने कोई भी शिक्षण संस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। और 28 में है कि सरकार के द्वारा जो अल्पसंख्यक के लिए जो भी शिक्षण संस्थान खोला है उनको सरकार सहायता देगी, ये है अल्पसंख्यक को सहायता देगी, इसमें कोई भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। सब हो गया, चलो तो इसका उत्तर कौन होगा। हाँ यही है प्रार्थना समाज, इसका उत्तर क्या होगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, आत्माराम, तुम ही लोग बोलो इसको, आत्माराम पांडुराम। अच्छा ये बाद में इसको लोकप्रिय कौन बनाया, महादेव गोविंद रानाडे, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, इसको लोकप्रिय बनाने का काम महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे,
महादेव गोविंद रानाडे किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के। किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के। अच्छा ये बताओ, थियोसोफिकल सोसाइटी कहाँ बना? 1875 में अमेरिका में। कहाँ बना? अमेरिका में। इसका संस्थापक कौन है? मैडम ब्लावत्स्की और हेनरी ऑलकॉट। मैडम ब्लावत्स्की और हेनरी ऑलकॉट। अच्छा ये बताओ, युवा बंगाल आंदोलन के कौन है संस्थापक? इसका हेनरी बीबियन डेरिजो। हेनरी बीबियन डेरिजो। हेनरी बीबियन डेरिजो यंग बंगाल मूवमेंट। रामकृष्ण मिठन 1897। ये कहाँ? बेलूर। बेलूर कहाँ है? कलकत्ता। बेलूर कहाँ है? अच्छा एक बात हमको बता दो थोड़ा, इसका उद्देश्य क्या था? ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना। इसका उद्देश्य क्या है? हिंदुओं का सामाजिक धार्मिक सुधार करना। इसका क्या उद्देश्य है? वेस्टर्न कल्चर को अपनाया, का एक नहीं 10 को बिया कर, अंग्रेजी पर हिंदी नहीं पर, बाप मां के बात नहीं मार, इसलिए जवानी में मर गया। हाँ ये जो है कह रहा था, ये अपना राम रख लिया माइकल मधुसूदन दत्त, इस चट्टा कहीं का। समझ में आया? ज्यादा अधजल गगरी छल कट जाए। आराम कृष्ण मिशन का उद्देश्य था वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना। सबका अलग अलग समझा? वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना। और कौन स्थापना किया? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे कौन? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण। और देखोगे एक स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ बनाया। क्या बनाया? मठ का उद्देश्य था परमहंस के विचारों को फैलाना। इसका उद्देश्य है वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना। सबको कंसेप्ट समझ में आया? हा? सब कुछ है, बहुत बड़ा बात है। राम के जाओ ना कलकत्ता में, सब कुछ है। सब समझ गए? आगे बढ़े। कब स्थापना हुआ, कहाँ हुआ, क्या उद्देश्य था, इसे बेसी नहीं जानना, इसे बेसी नहीं जानना। बंगाल में, सब बंगाल में। बंगाल में तो और कहाँ? यो बंगाल में, यो बंगाल में। ई खाली मद्रास में इसका एक ब्रांच खुला अडियार में। उसकी सदस्य बनी कौन? बहुत बड़ी राजनीतिक, कौन बोलो? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बिहार में 3 बार आई थी। क्वेश्चन आता है कितने बार आई? 3 बार आई। कब आई? जब होम रूल लीग की स्थापना बिहार में भी हुआ था। अब बढ़े बढ़े लड़का, चल। बंगाल सबसे धनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। बंगाल, बंगाल पूरा 40 ऊपर चला गया। हाँ 40। ये तो तुम लोग को बहुत बार बताए रे, हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। देखो ये देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, राष्ट्रीयता की दृष्टि से हुआ अमेरिका, और राष्ट्रीयता अगर नहीं रहता तो उत्तर होगा मैक्सिको। क्या उत्तर होगा? मैं कितना बार डिस्कशन कर चुका हूं, ये रहने वाला था अमेरिका का, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र था मैक्सिको। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, अगर पूछता है कि यह नॉर्मन बोरलॉग कहाँ से संबंधित थे, उत्तर होगा मैक्सिको। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के नागरिक थे? अमेरिका। इसने हरित क्रांति का जनक है, कब हुआ? 1960 के दशक में। और भारत में भी हरित क्रांति आया कब? 1966 में। और किस पंचवर्षीय योजना में आया?
तृतीय पंचवर्षीय योजना में आया। और ये सबसे बड़ा बात है, हरित क्रांति का अवधारणा भारत में किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। और भारत में हरित क्रांति का दुष्प्रभाव किस पर पड़ा? दलहन तिलहन, दलहन तिलहन। सबसे ज्यादा हरित क्रांति भारत के किस राज्य में हुआ? पंजाब में। किस में हुआ? और सबसे बड़ा क्षेत्रफल पर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। सारा क्वेश्चन हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इस हरित क्रांति वर्ड कौन लाया? विलियम गॉट। कौन लाया? विलियम गॉट। ओके, कौन सा राज बांस ड्रिप सिंचाई, ये तो मेघालय होगा। बांस ड्रिप सिंचाई समझते हैं? अच्छा, गांव में रहा है कि नहीं रहे? अच्छा, गांव में कभी देखा है कि जैसे खेत में ये वो नीचा वाला खेत में बहुत पानी हो गया तो उसको क्या करता है? दो गो बांस बांध दिया, ऐसे पैर से दबाता है। कभी तुम देखे हो? नहीं देखा होगा सर। हम तो देखे हैं, हम लोग तो उसको पैर से दबाता है और पानी उसमें भर जाता है और तब उसको छोड़ता है। देखा है? नहीं देखा रे? अरे बुझ गई है, पटना का रहने वाला छी रे। अभी भी अब तो नहीं होता है गांव में, इसलिए नहीं होता है कि इतना ज्यादा बोरिंग कर गया है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग तो देखे हुए हैं, हमारा हम लोग का एक इसको हम लोग बोलते थे करीन। क्या बोलते थे अपने गांव में? करीन लगाना हुआ। जहां बोरिंग का साधन नहीं था तो निचला वाला खेत में क्या करता था? उसको बांस दुगो करता था, आई गो यहां से वहां तक का मुंह होता था, ऐसे पैर दबाता था तो पानी उसके नीचे गया, पानी उसमें भर गया, फिर उसको छोड़ दिया तो पानी वो नाला से चला गया। उसको बोलते हैं बांस ड्रिप सिंचाई। यह आपको मेगा यह वहां होता है जहां सिंचाई का साधन नहीं है, अब समझे? लेकिन बरसात का पानी होना चाहिए तो वो काहे वो डूबेगा कहाँ? पानी रहते नीचे आता ना। चलो मेघालय कहाँ है? अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होता है? बैठ, नलकूप लिख रहा बुर्वक, जल्दी मुंह काहे देख रहा है, लिख नलकूप। क्या तू पूछ रहा था रे? क्या पूछ रहा है बोलो? तू गांव में रह ले कहा? गांव में कला रहे बनवे गुरु भी बाबू जी कभी कह बाबू ए खेती बाड़ी सब छोड़ दा, तोरा हम पाई देव आ दस वर्ष के बाद है। सुन पहले दस वर्ष के बाद करना, पाई तय नहीं है, कते खर्च करे छा? हम जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हम खेती करवाते करवाए हुए हैं लड़का, इसलिए हमसे बेसी खेती नहीं बुझेगा, हमको लाज शर्म नहीं आता है। अभी भी हम घर पर जाते हैं, अब तो बंटवारा हो गया, हम गाय भैंस का गोबर उठा के फेंकते, लेकिन हमारा नौकर है पांच पांच। तुमसे नहीं होगा, गुरु भी बनेगा, फटीचर बनेगा। बाप रे बाप, बरका भारी भी आई, समझ में आ रहा है? गलत बोले कि सही? नहीं होगा। हमारे यहाँ डीएम आता है, डीएम बोलता है अरे ये आदमी सबको देखिए इतना धनी है, और कहता है देखिए गोबर उठाते हैं, आप क्या पढ़ते हैं? हम बोले हम आईएएस को पढ़ाते हैं, इसलिए तो मैंने कहा ऐसा आदमी कितना महान है। समझ में आ रहा? तोरा से नहीं हो तो तोरा लाज लगतो गोबर उठावे में, तोरा लाज लगतो। हमको हम बुझे छे, लेकिन लेकिन हमारा एक आना में नहीं होगा। क्या समझा? सोलह आना में एक आना में नहीं होगे, लेकिन तुमको शर्म आएगा। क्या आएगा? शर्म आएगा, बाप रे गोबर उठाओ, हम तो नौकरी कर रही थी। चल आगे लड़का, कौन सा क्वेश्चन है रे? हम सही बात बोलते हैं, सही बोलेगी गलत? लाज लगता है, लाज लगता है, गाय भैंस के ना उठे हुए, गोबर के ना उठे, बाप रे बाप। सर छोड़ा, बोलो बोलो कौन क्वेश्चन है? सर एक बार सर चला गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अरे वैसे बोले कोई बुरा मत माना, लेकिन हकीकत बोल दिए तुम लोग को।
तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी ये आपको 92 में हुआ। और राष्ट्रीय महिला आयोग, सुनिए एक बात बताते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जयंती पटनायक और अभी है रेखा शर्मा। तुम्ही को नहीं कहे, हम जनरल बात बोले, रेखा शर्मा, हम गलत नहीं बोलते हैं, रेखा शर्मा कौन है, रेखा शर्मा वर्तमान में कौन है। इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष, कार्यकाल कितना, 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, कौन करता है, ओके, जयंती पटनायक, जयंती वर्तमान में रेखा शर्मा। ये सब देख लेना, माने ये सब बदलता रहता है, ये सब आज लिखा है ना, हो सकता है कल ही बदल जाए, लेकिन एग्जाम के पहले इसको सर्च करिएगा, नहीं वो तो नहीं बदलेगा। अब कौन है, ये है क्या, यही है, तो देखो ये क्या है, ये पनहो जो है, ये पनहो का मतलब है परस, यह पाली भाषा में है, किस भाषा में है, पाली भाषा में है। देखो सुनो, इसको कंसेप्ट समझिए, मिलिंद यूनानी राजा है, मिलिंद कौन है, यूनानी राजा है, और नागसेन अपना बौद्ध भिक्षु है। वो मिलिंद नागसेन से प्रश्न पूछता है कि बाबा बताइए बौद्ध धर्म क्या है, कैसे है, मरने के बाद क्या होगा, जी के क्या करेंगे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर नागसेन मिलिंद को बताता है। इसलिए इस पुस्तक का नाम है मिलिंद पनहो। क्या नाम है, कंसेप्ट समझ में आया, मिलिंद पनहो पाली भाषा में है, नागसेन से प्रश्न पूछता है, मिलिंद राजा पूछता है, इसलिए उसका नाम है मिलिंद पनहो। और यह किस भाषा में है, बात खत्म, कौन इसका उत्तर होगा, बोलिए आप लोग, उसके बाद कौन है, 70 69 ये है क्या, अच्छा ठीक, किस कंपनी की चेयरमैनशिप रोशनी नादर या मल्होत्रा, तो ठीक है, ये कौन है, इसका बना है, ये तो याद करिए, इसका चेयरमैन कौन बना, वो कौन बना, इसमें कोई दिमाग का बात नहीं है, लेकिन आप लोग करंट 1 साल का देख के जाइएगा एग्जाम में, जो जाइएगा तो 1 साल का करंट देख लीजिएगा। ये तो एस सी एल टेक का ये है, कौन है, रोशनी नादर, टेक्नोलॉजी, टेक मीन्स टेक्नोलॉजी, यही है ना, पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की महिला ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया, पीवी सिंधु को चुना गया है, किसको चुना गया है, महिला का ये है और पुरुष का ये है, इसको लिख लीजिए, पुरुष का ये है। और कल बताए थे कि भारत का मशाल वाहक कौन है, कल बताए थे, अभिनव बिंद्रा, कल बताए थे ना, भारत का मशाल वाहक कौन है, अभिनव बिंद्रा, और महिला के ओर से कौन ध्वजवाहक होगा, पीवी संधु, और शरद कमल पुरुष का होगा। मेरी कॉम कौन है, मेरी कॉम मुक्का मारने वाली है, ये अभी राज्यसभा का मेंबर है, ये कौन है, अभी राज्यसभा की मेंबर है, हाँ आइए, तो आइए, बैडमिंटन खिलाड़ी है, 2 बार आपको ओलंपिक में पदक जीता, 1 बार रजत जीता, 1 बार कांस्य जीता, 2 बार जीता है, हाँ 1 बार रजत, 1 बार कांस, इसमें क्या नाम है, ये जो अभी हुआ टोक्यो में, इसमें जीता है कांस, इससे पहले जीता था रजत, 12 में रजत, उसके बाद यहाँ जीता का। और इस साइना नेहवाल कौन है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, आई कौन है, हाँ चलो हो गया। अब वही पुरुष का पूछता तो क्या होता है, शरद कमल, एकासी यही है ना,
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन है? हाँ ये था, ये तो इसमें कोई हमको समझाने वाला बात है नहीं। पंकज उसे अगर पूछता भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, इसका तो जीके ठीक लग रहा है। राजीव कुमार पहले क्या था, नीति आयोग का कौन था, उपाध्यक्ष था। नीति आयोग क्या था, उपाध्यक्ष था, याद रहेगा ना राजीव कुमार, ये हमको याद नहीं, देख लीजिएगा। आरो है, हाँ एक खाली पेरिस ओलंपिक दे दे बैठ। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसको बनाया गया है, गगन नारंग को बनाया है। गगन नारंग ये क्या है पता है ना, चीफ डी मिशन का मतलब है, हाँ ठीक पूछा, मतलब है कि खिलाड़ी के साथ संपर्क करेगा, हमारा खिलाड़ी कैसा खेल रहा है, हमको खिलाड़ी को क्या सुविधा देना चाहिए, माने हमारा जो खिलाड़ी सब वहां जाएगा इसके बीच में आपस में प्रमोशन करेगा, मोटिवेट करेगा, कोई बात के नहीं समझे, माने ये सारी चीज करेगा, इसलिए इसका नाम है, क्या नाम है, चीफ डी मिशन, चीफ डी मिशन। ओके हो गया, अब नहीं है, मेरा दसे को एक तो कहाँ गया, एक तो भाग गया, तीन नंबर से ना, चलो 32 लीटर मिश्रण है ना, 12 लीटर हट गया, कितना बचा, 12 लीटर हट गया तो बता 20 लीटर, अब बताओ 5-3 में है, अब कहता 7.5 लीटर पानी मिलाया जाए, एसिड वाटर पानी मिलाया जाए तो रेशियो क्या, रेशियो मानसा लाना ना, हमारा कहने का मतलब है कि 32 में से 12 हट गया तो गया 20, 30 लीटर होता है 8, ये दोनों दूर कितना होगा 8, तो 7.5 कितना होगा, 8/20 गुने 7.5, ऐसा करते हैं तो बताओ ये क्या होगा, 15×75 = 4, ये क्या होगा 2, ये होगा 5, ओ भागो नहीं, 5 ये हो गया 3,
तो तीन बढ़ जाएगा, आंसर लिखो पांच अनुपात छ, ऑप्शन लिखो पांच अनुपात छ। नंबर बोलो कितना, क्या नंबर? अच्छा मैथ अलग अलग करके रखा हुआ क्या? बढ़िया रहेगा तब, मैथ अलग अलग कर रखा तो तुरंत हो जाएगा। बहुत अच्छा बात है, अब जो हो जाए बेहतर है हमारे लिए। चलिए आइए, त्रिभुज का अंतःभिन्न त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो पहले बताओ त्रिभुज का अंतःभिन्न त्रिज्या क्या होता है? 2a/p। अंतःभिन्न त्रिज्या क्या होता है? 2a/p। आप देखो 4, 5, 6 है, सबसे बड़ी भुजा पर से सलम, तो सबसे बड़ी भुजा कौन हो गया? 6, 6x, 5x, 4x, ये h, ठीक। अब तो 3 = 2×1/2×6x×h बटा जोड़ो तो 6, 4, 10, 5, 15x, एक्स एक्स उड़ा दो, यहाँ से 2 उड़ा दो, यहाँ से 2 उड़ा दो, एच हो गया 15 का आधा, बोलो 7.5 लिखो आंसर। हो गया, तो आ गया, भाग गए रे, बड़ा हम खुश हो गए थे, फिर गड़बड़ आ गया। नहीं, 10 नंबर आ, 5 जोड़ने पर 6/5 होता है, ये तो सीधा ऑप्शन से बना दो, 5 जोड़ने पर किसमें अंश में ना, 5 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7/10, 5 जोड़ो 12/10 हो गया, तो 5/6/5 आंसर लिखो। इन्हें एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं है, आंसर होगा 6/6। नेक्स्ट बोलो, आगे बढ़ दो नंबर। तुम क्या जोड़ा नहीं जोड़ा से तुम न जानेगा, तुम्हारा गलती क्या, हम क्या कर सकते। आओ, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है, तो 12 से 144, उसमें से 2 दर्जन सेब और शामिल कर दिया जाए, फिर 10 सेब सरा दो, 2 दर्जन और ना शामिल कर दिया जाएंगे, 10 सेब सर गए, उनमें निकाल लिया गया, शेष सेबों को बराबर और 2 टोकरी में रखा गया, 300 प्रत्येक। बताओ पहले तो बताओ उसमें कितना हो गया, 12 दर्जन और 2, 14 दर्जन, 168, 10 को सरा दो, 158 का आधा बोल दो, चलो अगला कौन सा? अमित किसी कार्य को 25 दिन में, पुनीत 20 दिन में, अमित 25 और पुनीत 20, उसके साथ कहता है कि पुनीत 10 दिन अकेला काम करता है, उसके पास 7 कार्य छोड़ चला जाता है, तो देखो 10 दिन में क्या करेगा, आधा काम ही क्या होगा, तो 12.5 दिन आंसर लिखो। अगला नंबर बोलो, आ गया कितना रुपया एबीसी में इसका बांटा गया, बी सी के कुल भाग का 2/9, ए सी के कुल भाग का 3/7, हमको सी का निकालना ना, आप बताओ 2/2 कर सकते हो, 2/9, 9×2=11 और 7×3=10, तो 10 हो गया, तो एक बार तो 2/2 9 है और 3=7 है,
नौ दो ग्यारह सात ही दस, एक सौ दस पार्ट है। इसको हम गुना कर दें किससे, दस से। इसको गुना कर दें कितना से, ग्यारह से। तो बताओ ये कौन है, ए है, ये है बी प्लस सी, ये कौन है बी है ए प्लस सी। तो बताओ ये होगा बीस, आई होगा सैतीस, तो तिरपन खत्म। ये दोनों मिला कितना, तो ये दोनों मिला दे कितना हो जाएगा तिरपन। इसमें से तिरपन घटा दो तो क्या होगा संतावन, ये होगा सी। तो संतावन बटा एक सौ दस गुना कितना है 6050। ठीक है, एक सौ उन्नासी यहाँ काट दो, ग्यारह पचे पचपन, ग्यारह पचे पचपन पाँच सौ पचास। तो संतावन को पाँच सौ पचास गुना कर दो कितना रहे, पचे पच्चीस है कौन रहे। अब गुना भाग कर लो ना, इतना भी कर दो, इकतीस हजार तीन सौ पचास। दिक्कत है नहीं, दिक्कत रुकल रुकना नहीं है, ये भाई साहब नहीं है, ये है नहीं लिखा रहे। चले क्या दिया है, छः का कितना एक्स है, चार आ गया तो क्या हुआ, दो बढ़ा दो घटा जीरो, छ चार दस, तो दस हुआ तो दस बटा दस आंसर एक, जोड़ दो एक्स प्लस वन हो जाएगा आंसर, क्या हुआ एक्स प्लस वन। देखो चार को आया दो रुपया लेके, दो रुपया चाह के, लेकिन दो ऐसा आया दस रुपया लेके आया, तो दस आदमी को दस रुपया देगा तो एक एक रुपया ना बढ़ेगा, तो आंसर क्या होगा एक्स प्लस वन। बोल बगले में आ जा भाई, क्या है चलिए, कहता है अस्सी लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा दस परसेंट है, कितनी पानी मिला दिया जाए कि पांच परसेंट दूध हो जाए। ठीक है, अस्सी में दस, अस्सी में कितना मिला दो पांच हो जाए, तो एक सौ साठ हुआ, अस्सी प्लस एक्स, एक्स बराबर होगा अस्सी, आंसर क्या होगा अस्सी लीटर। पर कंसंट्रेशन आधा करने के लिए क्या होगा, मटेरियल को डबल करना पड़ेगा, दिमाग तो ऐसे भी लगाना, दस का आधा पांच करना है तो एक सौ अस्सी, एक सौ अस्सी को एक सौ साठ कर दो। ये सब तो बिना कलम का क्वेश्चन है, ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री पर्वे करता है। यदि मान लो जितना डाइल्यूट करोगे पानी की मात्रा बढ़ाओ, डाइल्यूट करोगे सीधा आधा कर रहे हो तो डबल कर दो उसको। चलो बत्तीस इकतीस आ जाओ भाई, बत्तीस क्या, एक बस अपनी चाल का दो बटा पांच अंश समान गति चलता है, बची हुई दूरी के बस समान से छह बटा सात गति तय करता है, धीमी गति के कारण वो गंतव्य स्थान पर 50 मिनट देरी से पहुंचता है, कुल दूरी 200 किलोमीटर हो तो बस की सामान्य गति क्या है। आज बताओ दो बटा पांच चला गया तो बचा कितना, तीन बटा पांच, तीन बटा पांच का मतलब 120 किलोमीटर कितना होगा 120 किलोमीटर। अब बताओ 120 किलोमीटर यदि हम 6x चलें या 7x चलें, डिफरेंस कितना एक्स गुने 50 बटा 60, दूरी बराबर चालक गुना फल, चालक का अंतर गुने समय का अंतर। ठीक है, आप चलो यहाँ से काटोगे, यहाँ से एक्स एक्स कट गया, सुन्ना सुन्ना कट गया, छः छः उड़ा दो और उड़ेगा बोला रे, ये चौबीस। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 24 बटा 7। अब कौन चाल पूछ रहा है, बस की, बस की कौन सामान चल ना, कौन बोल रहा है, हमें क्वेश्चन कहता है छह बटा सात था ना, तो समान साल सात हो गया, तो सात एक्स बराबर क्या होगा 24 बटा सात गुने सात, सात सात कट गया, आंसर बोलो 24। हमको ये नहीं समझाना, हमको एक चीज समझाना है,
ध्यान रखो मेन 6/7 समझना। पहले देखो जो कहे वो ऊपर होता है, अभी 6 है पहले 7 था, अभी ये है, यही क्या था पहले, जब चाल घटेगा तब ना स्पीड टाइम लगेगा, देख अभी तुम्हारा चाल घट के 6 हो गया, पहले क्या था 7, इसको मैंने ऐसे बनाया, अब समझा। अब बताओ दूरी बराबर क्या था, चालों गुने पर चालों का अंतर गुने समय का अंतर। अब यहाँ पर बताओ दूरी, अब एक तो बताओ 2/5 चलने के बाद ना खराब हुआ, क्लियर, 120 किलोमीटर तुम देखोगे। आप बताओ तो चालों गुने पर चालों का अंतर गुने समय का अंतर, अब इससे निकला एक्स का मान निकल गया, लेकिन तुम्हारा चाल पहले क्या था 7 है, तो क्या आंसर होगा 7 से गुना करोगे ना, यही काम किया एनटीपीसी सब, सबको पता है चाल बराबर दूरी गुने समय, दूरी बराबर चालों गुने पर चालों का अंतर गुने समय का अंतर। बच्चा लेटेस्ट क्वेश्चन चक्कर में क्वेश्चन खाली कथा भारी दे दिए, भारी दे दिए, लड़का जो भागता है कारण यही, यही नहीं देख रहा एनटीपीसी में कैसा क्वेश्चन आया, ग्रुप डी में कैसा क्वेश्चन है, 21-22 में आया, उस पर मत ध्यान दे रहा है, लेकिन बड़का देखता है वहां पर क्वेश्चन खाली फॉर्मूला बेस्ड हो जाता है, यहाँ पर फॉर्मूला भारी हो जाता है, वो गलत कर रहा है, बोर्ड बोर्ड एक महीना के अंदर परीक्षा ले ले, पता चल जाएगा क्या परीक्षा क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, तब लड़का देखा हमारे यहाँ भर जाएगा, हम क्यों तुम्हारे साथ दोस्ती करें, दोस्ती से कभी पास नहीं होगा। यदि गार्जियन तुम्हारा यदि तुम्हारा बउआ बउआ करता था तो बउए रह जाएगा दिन दिन, यदि डांटता है तुम्हारा गार्जियन इसका मतलब तुम्हारा भविष्य बना रहा है, तो वास्तविकता यह है कि किस तरह क्वेश्चन आ रहा है उस पर चलो ना। अब नंबर उठाना नहीं होता, नंबर तो वहां उठाना जहां नौकरी मिलेगी, यहां नंबर उठाया जाए 75-75 आ जाएगा, क्या होगा यहां पर कौन चीज मिलने जा रहा है, 10 रुपया तुमसे लेंगे उसमें भी 10 रुपया, जो 10 नंबर लाए, लेकिन उसको यही होगा हमने मेहनत किया इतना आया, मेहनत को अवार्ड मिला नंबर, लेकिन वास्तविकता यह है कि नौकरी कौन देने जा रहा है, वो हम लोग क्या, तुम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा आईना क्या है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो ना, कैसा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था, कैसा क्वेश्चन एनटीपीसी, ट्रेंड वो होता जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ, लेटेस्ट एग्जाम को क्वेश्चन देखो किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, क्या ग्रुप डी में साइंस कैसा टफ पूछा था, लेकिन लड़का को टफ दे देता है तो कहता नहीं ऐसा नहीं, तो वास्तविकता जैसा क्वेश्चन पूछा उस तरह से क्वेश्चन हम लोग सेट कर रहे हैं, लेकिन लड़का लगता भारी हो रहा है यहाँ पर नंबर ही नहीं उठ रहा है, चलो घर चलते हैं, ऐसे नहीं होता है, होता ये है कि हमको नंबर नहीं उठ रहा है तो 2 नंबर कैसे बढ़ाएं, ये समझ आप टाइम एंड डिस्टेंस, देखो फॉर्मूला सबको याद है, पहले लड़का सोचेगा 2/5 दूरी के अलग निकालें, किताब तो वही ना बनाएगा लंबा, वो 2/5 का अलग निकालें, इसके लिए अलग निकालें, फिर जोरदार के लंबा चौड़ा खींचे, हम क्यों बताएं, तुम देखो कहाँ से क्वेश्चन पकड़ना है, फॉर्मूला वही यूज हुआ है, दूरी बराबर चालू गुना पर चालू का समय कर, फॉर्मूला तो वही यूज हुआ है, लेकिन 200 के लिए नहीं यूज हुआ, 120 के लिए, यही चीज है, यही चीज को आप यहां देख लिया, इस तरह के 2-4 क्वेश्चन फिर बनाओ, इसके लिए हम बोल रहे हैं तुम प्रीवियस ईयर नहीं बना रहे, PYQ यदि बनाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एग्जाम ध्यान देना 60% क्वेश्चन तुम आराम से बना करो, लेकिन उस पर नहीं ध्यान देता है बच्चा, ऑनलाइन में क्या हो रहा, अरे वाह बड़ा अच्छा टेक्निक बता दिए, अब उसके पीछे बर्बाद है, देखो झुंझुना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप तुम लोग बच्चा नहीं है, क्योंकि लाइफ बनाना है तो अपने तरफ से सोचना होगा, दूसरे पर मत जाओ, ये रहे आ जाओ, पहला क्या है 12% की दर पर 6% साधारण ब्याज इतना है, तो वार्षिक 72% है 25920 9920, अब कहता 8% है 12 से 2 वर्ष 8×8 × 8/100 क्या होगा 0.64 16 दशमलव, तो 16.64 का वैल्यू कितना होगा 25920/72×1664/100 कर दें क्या होगा 00 काट देगो, देखो तो कटने वाला रुको 8 से 8 9 है 8×16 16 ×8 64 8 × 10 9 से काटो तो 9 5 9 से कट जाएगा 9 काटो 9×18 7 9 9 8 72 9 8 72 और कटेगा नहीं कट, तो 288 को 208 से गुना करके कितना भाग देना, एक अंक बाद दसों ने देख लो तो कितना आएगा
58 56 है, 68 64 चार वाला कौन ऑप्शन है, देख दो को है, ये होगा देखिए फंसा दिया, एक वो पॉइंट फोर वाला एक रहता था, पॉइंट फोर वाला मार देते दो फर्क है, नहीं तो थोड़ा दिमाग लगाओ ना, 28 56 तो 56 से ऊपर होगा, ये 55 है, ये भी दिमाग लगाओ ना, ये तो पहले छट छट गया, ये तो कन्फर्म है 200 रहता तैयो 28 56 से ऊपर जाता, तो 56 से ऊपर जाता है तो क्या 59 एक ऑप्शन बनाया ना, देखो तो तुम्हारा मेहनत हमेशा काम करेगा, इतना 44 आ जाओ, सुनने वाला तो पता ही होगा तुम, बनेगा तो सौ तुम ही से, हमको कहा बनाना, चलो ये क्या होगा जल्दी बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा बीटा, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा, क्लियर है, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बोलो जल्दी, माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा, ऐसे याद रखना एग्जाम तक जब तक पास नहीं किया, तो 13/3 13/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने 14/3 14/3 बट्टा 14/3 9 169 में घटाओ कितना 14 28 28 नंबर कितना होता है 9 72 और कितना हो जाएगा, तो कहीं गलती कर रहे हैं, 9 18 14 180 और 72 जोड़ो तो 252 हुआ, गलती कर दिए, 3 होगा रे 14 28 किया 84 बट्टा 9 बट्टा 14/3 3 काट दें, कौन जाएगा ऊपर कितना रह जाए 85 85/42 ऑप्शन देखो कोई ऑप्शन है तो बी ऑप्शन, ये सब क्या है अल्फा बीटा अल्फा मूलों का योग मूलों का गुणनफल, यही क्वेश्चन कितना नंबर ये चले देखा क्या दिया है फॉर्मूला याद है क्या होता है a plus b plus c का होल स्क्वायर माइनस 3ab plus होता है कितना दिया 9 का स्क्वायर माइनस 3 × 18 81 में से 54 घटाओ तो 27 ना होगा 9 7 63 6 9 18 6 24 243 नंबर बोल 53 क्वेश्चन है गड़बड़ है चलो आगे ये भाई सब हैं याद है ना बहुत बार बताए हैं क्या होता नियम किसी भी त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजक द्वारा बनने वाला कोण जैसे ये P है Q है R है ये होगा क्या 90 प्लस पी का आधा है ना अब देखिए 70 है तो 90 प्लस 70 का आधा 35 125 आंसर यही बाहर कटेगा ध्यान रखो ऐसे कटेगा ये जो होगा
पी क्यू आर है तो ये होगा 90 माइनस हाफ हाफ ऑफ 22 कौन सा कटेगा तो माइनस करोगे अंत कौन सा कटेगा तो प्लस करोगे बोलो बगल में है क्षेत्रफल दिया है दो त्रिभुज के समरूपी भुजाओं का अनुपात क्या होगा तो जानता ही है क्षेत्रफल से अनुपात अगर रूट कर दो ना आंसर लिखो कौन रूट फाइव रूट सेवन क्षेत्रफल का वर्गमूल होगा ना भुजा कि मार दिया 25 49 हाँ कन्फ्यूज नहीं नहीं कभी कभी होता है उल्टा हो जाता है लगता है 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 हाँ टेंशन नहीं लो टेंशन कर चलो अगला 70 ये भाई साहब मैंने बताया होंगे बहुत साइन बराबर कॉस टेन बराबर कॉट सेक बराबर कॉस सेक पढ़ो हमेशा दोनों जोड़कर 90 degree 3x - 20 + 3y + 20 = 90 degree ये भाई साहब गए 3x + y 90 एक्स वाई का मान 30 degree आपका था 10 30 का मान बोलो 10 30 का मान क्या होता 1/√3 आंसर लगाओ 1/√3 ये साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस एक बराबर हो तो दोनों एंगल जोड़ के कितना होता 90 degree चलिए ये भाई साहब बहुत बार बताए होंगे 20 10 30 20 का डायरेक्ट लिखो 80 अच्छा सॉरी 20 लिखो गलती लिख दिया पहला डायरेक्ट लिखो 20 हटाओ तो 80 80 का 10% बोलो तो 8 28 हो गया 72 का 30% 21 रुपया 60 पैसा तो बोलो 5 6 8 1 9 49.6 देखो आंसर 49.6 हम जो बताए बनाओ ना तो सबसे आसान तरीका है आंसर कोनो तरीका 49.6 लाना बात खत्म और कुछ नहीं जानते बात खत्म है 78 78 ये भाई साहब आ जाइए देखो 5 7 7 9 2 1 5 7 7 9 2 1 अच्छा 5 7 12 9 7 16 2 1 3 12 16 3 कैल्शियम क्या हो सकता है 3 लोगों तो 4 और 4 रखें तो 4 ये नहीं होगा 4 16 48 48 ना ये क्या बना 48 कैसे बना सकते हो 7 5 12 है ना 4 से इसको 3 से 3 से इसको 16 से 16 अब बोलो 20 21 20 21 41 42 कितना होगा 73 होगा आ जाओ 28 27 55 अब 55 16 71 बात खत्म अब क्या पूछ रहा है नए में तो दूध ये मिल्क है ये वाटर है 73 + 7 1 3 1 4 7 7 14 × 100 लगभग जाओगे यदि मान लो 73 72 रहता थी तो 50% नहीं तो थोड़ा ऊपर 50 से थोड़ा ऊपर चले जाओ कोई है 50 से ऊपर कौन होगा 52 होगा देख लो ना 50 से थोड़ा ऊपर जाए देखो क्यों देखो यदि तू करो खरबा क्यों रहा 72 रहता दो बार में करता 50% होता है लेकिन 72 से थोड़ा ऊपर है तो आंसर भी थोड़ा ऊपर होगा हाँ चलो मोबाइल लगाओ कितना रहा 50.69 51 के लगभग को ना 59 50 ऊपर है ना हाँ क्या मैं बोल लो शर्माने क्या बात है माने 50 ऊपर जाएगा ये कन्फर्म हो 56 है हम कैलकुलेशन कहीं गलती किए देख लो एक बार माने जो आ रहा है सो बात लो अभी बना रहे थे कैलकुलेशन तो वही नहीं जाएगा चलो और बोलो
ये है, हाँ आ जाओ। 85 में क्या दिया है? कटा का है नहीं सब आ गया। सात मित्र प्रत्येक ने प्रोजेक्ट में 14 रुपया खर्च किए। आठवां मित्र 21 रुपया ज्यादा दिए, 21 रुपया दिया सात के लिए 3। एक नाश्ता पर दाम हुआ 17, 17 को 8 से गुना करो 136 रुपया खर्च हुआ। अंक करो 14 रुपया दिया, तुमको 21 रुपया अधिक देना पड़ा, ऐसा वो लोग कम दिया। एक आदमी कितना कम दिया होगा? 3। एक प्रोजेक्ट पर कितना खर्च? 17। 8 आदमी खाना खाएगा, कितना खर्च होगा? 136। बोलो अगला है, बगले में है, आ जाओ भाई। 3 छात्र ए को बी से कितना ज्यादा? 36% नहीं कम है। 80 को 16% अधिक प्राप्त हुए, 80 से 16% अधिक। यदि बी को इतना मिला, सी को कितना मिला? अब आइए 145 का 64% बराबर सी का 116%, 116%। 29 × 5 = 4, 16 × 5 = 80, सी होगा 80। हाँ चलो लगा। अंगल अगला बोल। ये चोर सिपाही, आ जाओ चोर सिपाही। क्या दिया? 450 मीटर दूर देखा पुलिसकर्मी उसका पीछा के शुरू, चोर भी भागने लगा। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल 7-8 है, कितनी दूर में दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? हमारा कहना है 7-8 है, डिफरेंस बोलो 1। 1 बराबर 450, 8 बराबर बोलो 450 को 8 से गुना कर दो, 8×40 832 कितना होगा? 3.6, 3600 ना, तो क्या होगा? 3.6 किलोमीटर आंसर। अगला है 93, आ जाओ 93। अले मान यो बताना पड़ेगा कितना बढ़ा रहे, कितना से घटा, कितना 60, ये दो है 1100 अरे 1260 15750 का कितना परसेंट? सॉल्व कर रहा हूँ, लगभग 8%, 8 से थोड़ा ऊपर होगा, लगभग 8%, लगभग कितना? चलो अगला बोल है 99 ऊपर है, ओ 96। सरलीकृत करो, क्या लाया? 2 × 10 − 3/10 / 5/10 − 6/10, रिजल्ट होगा निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा? एक धनात्मक परिमेय संख्या, ऑप्शन होगा एक धनात्मक परिमेय संख्या। देखो ऊपर भी निगेटिव आएगा, नीचे भी निगेटिव आएगा, तो निगेटिव हर जगह क्या होगा? पॉजिटिव, तो धनात्मक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जीरो तो नहीं आ रहा है, रूट नहीं आ रहा है जो अपरिमेय होगा, तो आंसर क्या होगा? परिमेय संख्या। आगे बोलो है, यही है। कौन सा व्यक्ति एलसीएम है? 12, 15, 18 और 27, 3 से काटोगे तो 4, 5, 6 और 9, फिर 3 से काटो तो 3, 2, फिर 2 से काटो तो 2, 2 अपने कटेगा 2, 5, 3, 3 × 9 = 18 × 36 = 25 कितना होता है? 180 किया 540, आंसर लिखो। हो गया, एक और है, कौन सा? 15,400 रुपया है इसका 7200 रुपया क्या है? खर्चा है, तो बचत कितना होगा? 15,400 में 7200 रुपया खर्च कर लिया, कितना बचा? 8,
8200 नहीं रे, कितना बचेगा? 8200 छोटा करो तो, और छोटा होगा 77 आइए 36 आइए 41 कितना परसेंट बढ़ा है? 20% 20 से गुना करो तो कितना होगा? 1540 कैसे? 5 से 180 घटा दो, इसमें x लगा दो 41x, x बराबर बोलो कितना होगा? 18 54 1360 बटा 41 लगभग देखो कितना होगा? 433 के लगभग होगा कोई ऑप्शन? तो लगभग होगा 33.16, ऑप्शन नंबर सी लगा, फाइनल हो गया? गौर है तो पुराइए देगा। फॉर्मूला बोलो, चतुर्थानुपात का फॉर्मूला एबीसी, तो बीसी बाय ए, तो बीसी बाय ए करोगे तो बीसी कौन हो? ये ना 4 × 7/7 काट दो, आंसर लिखो 4, समझ आ गए? अपना बंद कर लीजिए।